नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बिहार के गया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव सह विधायक आलोक मेहता के नेतृत्व में पटना से राजद की टीम शुक्रवार को गया पहुंची। टीम में शामिल सदस्यों ने शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में रेप कांड की पीड़ित बच्ची से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। आलोक मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुशासन की सरकार हर मुद्दे पर विफल है। आए दिन राज्य में घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ पाने में विफल है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे और सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही घटना में शामिल दोषियों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे। बिहार की सरकार जो रोज दावा करती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब 15 वर्षों के लॉ एंड ऑर्डर को अब्यूज करने वाले ये लोग, इनके हर रोज कोई ना कोई घटना घट रही है और घटना घट रही है। थाने में केस नहीं लिया जा रहा, लोगों को दौड़ाया जा रहा है और पीड़ित लोगों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। उस बच्ची को आज जांच कराने के लिए यहाँ पर लाया गया, और नहीं तो सरकार का इंटेंशन था कि इन चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, इनको दबा दिया जाए। जो सरकार के पदाधिकारी पदाधिकारियों का जो बयान आता है, वह एक दिन पहले बिना जांच के उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो यह ऐसा लगता है, और सुनने में आया है कि यहाँ के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और NDA के लोग दबाव डाल रहे हैं कि जो अपराधी हैं उसको माइनर घोषित कर दिया जाए और जो पीड़िता है उसको वयस्क घोषित कर दिया जाए ताकि केस अपेक्षाकृत हल्का हो जाए। देश भर में धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बाबत बक्सर SP के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे लोगों को संदेश दिया गया कि पर्व को लेकर लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और हर्षोल्लास के साथ ईद पर्व को मनाएं। इस बाबत बक्सर SP राकेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से ईद पर्व मनाएं। पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ईद के दृष्टिकोण से रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए और संवेदनशीलता को देखते हुए हमने फ्लैग मार्च निकाला है। हमारा उद्देश्य है कि जिले में, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज देर रात तक हमारे मुस्लिम भाई खरीदारी करेंगे, वो देर रात तक अपना निश्चिंत होकर खरीदारी करें, अपना बाजार करें, अपने घर परिवार के लिए जो भी करना है करेंगे। हम उनकी सुरक्षा में मुस्तैद हैं, इसलिए हमने ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला है ताकि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि हमारी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और पूरे ईद का जो पर्व है शांति से निकल जाए। यहाँ पर ईद पर क्या संदेश देने से? सबसे पहले तो मैं ईद के हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा बक्सरवासियों को, और सबको यही संदेश रहेगा कि शांति का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। इस पर्व को शांति से मनाएं, किसी प्रकार का विघ्न डाले, अगर कोई इस प्रकार का किसी प्रकार का विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत पुलिस को, प्रशासन को सूचित करें। किसी प्रकार का भंग करने वाला, शांति भंग करने वाला मैसेज या भ्रामक अफवाह से दूर रहे, न फैलने दे, ये हमारी अपील है। बेतिया के नरकटियागंज में ईद उल फितर का नमाज निहायत ही उम्दा और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने देश में शांति के लिए, अमन व चैन व अपने लिए अल्लाह से गुनाहों से तौबा के लिए दुआ मांगी। ईद के नमाज को देखते हुए कोई अनहोनी घटना ना घटे, इसके लिए शिकारपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद व पुलिस बल तैनात कर हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के साथ मिलकर शांति बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दिया। ईदगाह के बाहर मेला सज धज कर तैयार है और बच्चे खिलौनों की खरीदारी कर रहे हैं। ईद के नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारकबाद दिए, वहीं बच्चे भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दिए। झारखंड धनबाद कोयलांचल में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के रेलवे ग्राउंड में पूर्व मंत्री मन्नान मलिक सहित हजारों लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की। नमाजियों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा, ईद के मौके पर दुश्मन हो या दोस्त, सभी एक साथ एक जगह मिलकर खुदा को याद करते हैं और वे मनस्य भुलाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद पूरे दुनिया के लोगों को संदेश देता है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे। इस्लाम में जो है सबसे बड़ी खूबी है
आपने देखा कि सबसे गले मिले थे, चाहे दुश्मन हो दोस्त हो सभी से मिले थे। इस्लाम में बहुत खूबी यह है, एक साथ नमाज पढ़ लेते हैं, 20 दिन कुरान शरीफ पढ़ा, और यही मोहब्बत पूरे दुनिया में फैलाने के लिए कहा कि एक साथ रहो, एक साथ सभी इंसान पैदा हुआ है एक ही आदम से, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने जो पैदा किया है उसकी रहनुमाई में अल्लाह एक है, उसको मानो और उसके रास्ते पर मेरे रसूल का ही फरमान। अलग अलग वक्तों पर ईद की नमाज अदा की गई, यहाँ तो सबीली मस्जिद दरगाह शरीफ में अपने वक्त पर नमाज अदा की गई, अच्छे तादाद में लोग थे, बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा सुकून के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई है। और नमाज ईद उल फितर के साथ साथ मैं तमाम धनबाद वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तमाम धनबाद वासी हमें मुबारकबाद ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अभी अभी ईद उल फितर की नमाज के बाद हम तमाम लोगों ने जितने भी नमाज अदा करने वाले थे मुल्क में, हमारा मुल्क जो प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, उस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, हमारी जान से ज़्यादा प्यारा, उस मुल्क में मुल्क की चैन व सुकून के लिए, उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया गया कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और चैन अता फरमा और इस मुल्क में तरक्की अता फरमा, इस मुल्क की तरक्की अता फरमा। झारखंड बालूमा थाना में ईद का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आया, सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। पहले बालूमा ईदगाह में डॉक्टर इकबाल नायर कश्मी ने ईद और रमजान की जानकारी लोगों को दी और उसके बारे में बताया कि यह पर्व का क्या महत्व है। उसके बाद ईदगाह में ही ईद की नमाज अदा की गई। डॉक्टर इकबाल नायर कश्मी ने कहा कि यह पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अल्लाह खुशियां दे, सभी की झोली भर दे। वही इस पर्व को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई, कोई अप्रिय घटना से निपटने के लिए DSP और प्रभारी सनोज चौधरी मौजूद थे। देखिए, ये एक महीने का मुसलसल 30 दिन का रोज़े होते हैं जिसमें हर बालिग मर्द औरत मई जून के महीने में रोज़ा रखते हैं, तो उस रोज़ा के उपलक्ष्य में उसकी खुशी में ये तमाम लोगों को हुक्म दिया गया कि बस्ती से बाहर निकल करके उस परवरदिगार का, उस मालिक का शुक्रिया अदा करो जिसने तुमको दुनिया में भेजा है। और इस ईद के ज़रिए से ये पैगाम जाता है पूरी दुनिया में, अमन चैन शांति सुकून, और इस्लाम की निगाह में जो है न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ज़ात बिरादरी के एतबार से छोटा बड़ा है, बल्कि ईश्वर का जो जितना बड़ा भक्त होगा उतने ही जो है वो ईश्वर और अल्लाह के नज़दीक जो है महबूब और प्यारा होगा। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में ईद उल फितर का नमाज निहायत ही उम्दा और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने देश में शांति और अमन व चैन व अपने लिए अल्लाह से गुनाहों से तौबा के लिए दुआ मांगी। ईद के नमाज को देखते हुए कोई अनहोनी ना हो इसके लिए सुगौली थाना अध्यक्ष सुनील कुमार व सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह जिले से पहुंचे। SSB के जवान व पुलिस बल तैनात कर हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख रहे थे, साथ ही जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के साथ मिलकर शांति बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दिया। ईदगाह के बाहर मेला सज धज कर तैयार था। ईद के नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारकबाद दिए, वही बच्चे भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गुमला ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधानसभा स्पीकर दिनेश उराव एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने संयुक्त रूप से गुमला जिले का दौरा कर सिसई प्रखंड के जलका गांव स्थित अरिया कंस नदी पर नवनिर्मित पुल एवं भनो प्रखंड के नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मॉडल भवन का उद्घाटन किया एवं भनो प्रखंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 24 लाभुकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण, सखी मंडलों को 1 करोड़ का चेक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 200 लाभुकों को ताला चाबी देकर गृह प्रवेश करवाया। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। उद्घाटन कर रहे हैं, इससे पहले और भी जगह पर हुआ है, जैसे हमारा खोखी में भी किया है हम लोगों ने, मैंने पुटिन कर्रा में भी किया और ये आसपास हमारा दूसरे जिला वगैरह में भी किए हैं, और मॉडर्न भी लोग हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों का सरकार का ये इच्छा है कि हम एक ही भवन के नीचे सारे विभाग का कार्यालय, कभी कभी क्या होता था कि कुछ गाँव से लोग आते हैं प्रखंड में काम कराने के लिए, लेकिन कभी यदि शिक्षा विभाग कार्यालय कोई दूसरी जगह और आपूर्ति विभाग का कहीं दूसरी बिल्डिंग, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे जो प्रखंड से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं सारे कार्यालय एक ही छत के नीचे में रहे,
और सबको आने जाने जो गांव वाले जो आ जा रहे हैं उनका सुविधा प्राप्त हो, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का प्रावधान किया है। अभी हर ब्लॉक को हम लोग चाह रहे हैं इस तरह बनाया पूरे राज्य का, और लगभग हम लोगों ने हर जगह पर इस तरह का काम शुरू कर दिया है। और गुमला डिस्ट्रिक्ट में कहें तो एक प्रखंड अभी जो छोड़ करके प्राय प्राय सब जगह शुरू हो गई है, एक प्रखंड अभी जल्दी शुरू होने वाला है क्योंकि वहाँ पर वृक्ष लगी हुई है, तो वृक्ष को लेकर के हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को एनएसी के लिए मांगा है, वो जल्दी ही मिलने के बाद फिर वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो जाएगी। सर शिकायत रहती थी प्रखंड मुख्यालय में कि पदाधिकारी संबंधित कर्मचारी रह नहीं पाते हैं, स्वाभाविक रूप से संसाधनों का भी अभाव था। आज यह मॉडल प्रखंड मुख्यालय बनकर यहाँ तैयार है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और हम सब आज आम लोगों के साथ मिलकर आज हम लोगों ने इस मॉडल वरुणों प्रखंड मुख्यालय का नए भवन का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। उन्हीं कमियों को दूर करने का यह प्रयत्न चल रहा है। आज लगभग मैं समझता हूँ कि अपने राज्य में भी और विशेष रूप से अपने शिमला जिला में जो जिन सीन चाहे वो कार्यालय हो या उनका आवासीय परिसर हो, आज तो जिन सीन जो अवस्था में थी आज उसको पुनः इस प्रकार के नए भवनों के माध्यम से इस प्रखंड को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की शिकायत रहेगी। अगर मन में लगन और जज्बा हो तो कोई भी बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। जम्बुआ उराव नामक किसान के पास ढंग से रहने का घर भी नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत से बंजर भूमि में आम का पेड़ लगाकर मिसाल कायम किए हैं, जो देखने लायक है और लोगों को इनसे सीख लेने की जरूरत है। पूरी कहानी घाघरा प्रखंड के खाभिया कुंबार टोली गांव की है। जम्बुआ उराव ने फलदार आम का पेड़ लगाकर लाखों की कमाई कर रहा है। जम्बुआ की माने तो पहले मजदूरी कर अपना जीविका भी नहीं चला पाता था, लेकिन एक शिक्षक ने उसे प्रेरणा दी और जम्बुआ ने आम का पेड़ लगाकर हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। जम्बुआ सबसे पहले उठकर प्रत्येक दिन सुखवा पेड़ की पूजा करता है, जिसके बाद अपने बगान में काम करता है। वही जम्बुआ ने बताया कि भूमि बिल्कुल बंजर है और कोई साधन भी नहीं है। उसने यह भी बताया कि घर भी रहने के लिए नहीं है, एक साइड तिरपाल लगाकर जीविका कर रहा है। वही सरकार से घर के लिए भूमि की मांग की है। कितना जगह में आम लगा है? मेरा आम है एक एकड़ में, सब पौधा है। कैसे किलो बेचते हैं? 50 रुपया। लगभग कितना कमाई हो जाता है? लगभग हो जाता है 1,00,000 रुपया। मतलब अपना जीविका आराम से चल जाता है? हाँ, मेरा जीविका आराम से अभी चल रहा है। बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई सब पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? दो बेटा है संत जोसेफ कोनबीर में और बेटी है टोटो जन स्वावलंबन में, और दो छोटा छोटा बच्ची है वो लोग गाँव स्कूल में अभी जाती है। आम का खेती लगाने से अच्छा फायदा होता है? हाँ। अपने बलबूते अगर कोई किसान फलदार वृक्ष लगाया है, चाहे कुछ भी अपने प्रयास से कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा उसका पहल है, और निश्चित तौर पर उसको सरकार की तरफ से भी उसको उसका सिंचाई का समुचित विकास मुहैया कराना चाहिए। उसका घर भी धसा हुआ है, उस मतलब सरकार से मांग कर रहा है कि इंदिरा आवास भी मिले तो अपने। देखिए अभी इंदिरा आवास तो आ चुका है, और दूसरा कि अभी उसका सर्वे हो चुका है नहीं हो चुका है, उसका क्या स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जेन्युइन उसका घर नहीं है और उसका उसके साथ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। पहले तो मरुआ और धान होता था, इतना फायदा नहीं होता था। आम का बगान लगाए उस समय से बहुत फायदा हो रहा है। कौन कौन सा आम लगाए? आम लगाए अमरपाली है, मलिका है, मालदा है, दसारी है। कितने जगहों में लगाए? कितना जगह में लगाए? जगह तो 2 एकड़ में होगा, 2 एकड़ में है। इससे काफी फायदा होता है? काफी फायदा हो रहा है। पहले तो तब हम लोग को बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, पेन खरीदने में, कॉपी खरीदने में, अब तो कभी कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कुल्ली कबाड़ नहीं करना पड़ रहा है, आराम से सबको पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। झारखंड बालूमाथ सेरेगारा रोड में महागठबंधन राजद कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने आज आम राहगीरों के लिए ईद के मौके पर सत्तू और पानी की व्यवस्था की गई है।
साथ ही यह सेवा गर्मी तक रहेगी जिसमें आम लोगों को इस गर्मी में सत्तू और पानी मिल सकेगा। वह इस मौके पर बीरेंद्र यादव ने कहा कि यह सेवा महागठबंधन की तरफ से की जा रही है जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को यह सुविधा दी गई है। वही इस मौके पर लगभग सैकड़ों लोगों ने सत्तू और पानी का आनंद उठाया और इस सेवा में लगे लोगों को धन्यवाद दिया। राजनीतिक पार्टी महागठबंधन जो है RJD, JBN, JMM कांग्रेस के तत्वाधान से ये शुरू किया गया है, जो आज गर्मी के दिन में यहाँ के आने जाने वाले लोग को प्यास लगता है, जिसको थोड़ा सा राहत मिल जाए, जिसके चलते महागठबंधन ने व्यवस्था की है। कैमूर भभुआ शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय स्थित कमरा में NIOS द्वारा संचालित DLED प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रथम वर्ष के कार्यशाला आधारित गतिविधि के अंतिम दिन 12 दिवसीय प्रशिक्षण सुचारू रूप से संपन्न हुआ। 12 दिन में विषय आधारित पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM निर्माण, बच्चों का पोर्टफोलियो प्रश्न पत्र तैयार करने का ब्लूप्रिंट पर आधारित गतिविधियों का RP प्रशिक्षकों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षुओं का 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। DLED का प्रशिक्षण 200 अप्रशिक्षित प्रशिक्षुओं ने प्राप्त किया। प्रशिक्षु अर्चना पांडे ने बताया कि कार्यशाला के पहले बच्चों के पढ़ाने के बारे में जानकारी नहीं थी, यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद काफी जानकारी मिली है। बस हम लोग जब आए थे तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। इस जो भी हम लोगों को WBA में सिखाया गया है उसके संदर्भ में हम लोग पहले कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन इन 12 दिनों में RP लोग हम लोगों को इतनी अच्छी तरह के तरीके से बताए हैं कि आज हम लोग अप्रशिक्षित से सच में प्रशिक्षित होकर के विद्यालय में जाएंगे और इन सारी चीज़ों को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। 12 दिवसीय कार्यशाला का अंतिम दिन था। पूरे 12 दिन तक इन शिक्षकों को यहाँ पर TLM निर्माण का अभ्यास, पाठ योजना बनाने का अभ्यास, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है इसके बारे में बताया गया, इसके बाद ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है, प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, चाइल्ड प्रोफाइल बच्चों का क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी शिक्षकों को बेहतर ढंग से कराया गया इस सेंटर पर। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि हमारे सभी प्रतिभागी, जितने प्रतिभागी थे, इस 12 दिन में इतना अच्छा से कोऑपरेट किए और अपने लगन के साथ इसमें सीखने का प्रयास सबों ने किया। सच में हमें कुछ भी नहीं आता था, हमें यहाँ पे आकर जो भी सीखा है वो बहुत अच्छे से सीख कर जा रहे हैं और अपने स्कूल में अपने जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे जाकर वहाँ बच्चों के बीच में इन सारी चीज़ों को रखेंगे। जैसे हमने ग्रुप टेंट वगैरह जाना है, ये सब के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पाटिका वगैरह भी हम जानते थे कि लिखा जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, पर कैसे बनाया जाता है उसको अच्छी तरीके से हम यहीं पे आकर सीख पाए। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इतने सारे टीचर्स का। झारखंड गुमला जिले के रायडी प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले सुरसांग गांव में नए थाने का उद्घाटन किया गया, जिसमें गुमला के आरक्षी अधीक्षक एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने मिलकर किया। यह गांव नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। यह गांव दो राज्यों के बीचों बीच बॉर्डर में है, जिससे लोगों में हमेशा एक डर बना रहता है कि कब नक्सली आएंगे। आए दिन इस घटना से गांव के लोग दहशत के साए में जीते थे, जहां नक्सली घटना को अंजाम देते हैं। वही ग्रामीण की माने तो नए थाना खुल जाने से नक्सल गतिविधि समाप्त होगा। इससे पूर्व सुरसांग थाना का संचालन रायडी थाना से होता था, जिससे जनता व पुलिस के बीच दूरी बनी थी। नए थाना बनने से पुलिस और जनता की दूरी समाप्त हो गई है। सुरसांग थाना जो है रायडी थाना के परिसर से ही चल रहा था, तो हमने यही डिसाइड किया था कि गरीब पदाधिकारियों की भी मतलब इच्छा थी और डायरेक्शन था कि जल्द से जल्द जो है सुरसांग में जो चिन्हित जगह है वहाँ पर थाना खोला जाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो आम जनता जो है, जो इन चारों पंचायत जो हैं यहाँ पर, उनको जो रायडी जाना पड़ता था अपना किसी प्रॉब्लम को लेकर, अब इस स्थल पर इस थाना में आकर अपनी बात रख सकें, अपना परेशानी या जो भी है उनको उसका। जैसे हम लोग के क्षेत्र में यहाँ पर जो थाना का स्थापना हुआ तो हम लोग के लिए जैसे आने जाने के लिए भी सुविधा हुआ। उसके बाद हम लोग का क्षेत्र बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें उग्रवाद क्षेत्र से हम लोग का क्षेत्र प्रभावित है, जिससे हम लोग का विकास का रास्ता भी खुलेगा और हम लोग जैसे कि उग्रवादी लोगों से भी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम लोग उग्रवादी क्षेत्र से ग्रसित थे और कितना पीड़ित थे, जब हम लोग के लिए सुरक्षाकर्मी आ गए हैं तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है। हम लोग हर चीज़ जो भी हम लोग का जो परिस्थिति रहेगा हम लोग तुरंत आके खबर सूचना दे सकते हैं, चाहे इन लोग से भी हम लोग सहायता ले सकते हैं ताकि हम लोग का जो क्षेत्र है सो विकास कर सके। सुरसांग थाना जो आज उद्घाटन हो रहा है, ये दो जिला को जोड़ता है, एक तो छत्तीसगढ़ पड़ता है बॉर्डर और एक सिमडेगा जिला,
और यहाँ कभी नसल्ली छत्तीसगढ़ से भी आ जाते हैं, कभी इधर सिमडेगा जिले से भी आ जाते हैं। और ये जो अभी जो थाना बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है आज, इसके बनने से यहाँ के पब्लिक को बहुत ही सुविधा होगी, यहाँ के लोग निडर हो जाएंगे और यहाँ के जो भी भूगोल है, इतिहास है, वो बदल जाएगा। तो ये लाभ होगा कि यहाँ सुरसांग थाना बनने से नक्सल जो है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुरसांग जो माना जाता है, तो उससे हम लोगों को ही फायदा होगा कि यहाँ नक्सल जो है यहाँ पर घुस नहीं सकेंगे। उसके अलावा सुरसांग में जो थाना बन रही है, बॉर्डर सुरसांग मेन बॉर्डर में है, चारों तरफ से जैसे 10-15 किलोमीटर आगे पीछे जाइएगा तो सिमडेगा बॉर्डर पड़ता है, इधर आईडी पड़ जाएगा, तो उससे नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उसको प्रभाव पड़ेगा, दिक्कत होगी उन लोग को घुसने के लिए। मैंने कीजिए यहाँ की आम जनता महसूस करेगी कि सेफ्टी महसूस करेगी। उसके अलावा आपको बता रहे हैं सुविधा भी होगी, यहाँ हर चीज़ की सुविधा हो जाएगी, थाना बनने से जैसे लाइन की समस्या जो रहती है वो भी हल हो जाएगी। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड पखनिया पंचायत के नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 1021 कुंवारी कन्याओं ने दोस्तिया मठ के समीप तिलावे नदी से जल भरकर यज्ञ मंडप तक लाया। जल यात्रा में गाजे बाजे के बीच हाथी घोड़े के काफिले को भी निकाला गया। वही थानाध्यक्ष रमण कुमार व सैप जवान और पूरे पुलिस बल जल यात्रा के साथ मौजूद थे। बिहार की गया में नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाले एवं लूट में शामिल 7 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से एक देशी कट्टा, 3 कारतूस, 315 बोर तथा 2 स्कॉर्पियो, 3 मोटरसाइकिल सहित 6 डेटोनेटर एवं जेलेटिन बरामद किए हैं। SSP राजू कुमार मिश्रा ने कहा कि पिछले 6 जून को बाराचट्टी थाना क्षेत्र में छड़ से लोड ट्रेलर के ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर कुछ लुटेरे स्कॉर्पियो वाहन से बुमेर के जंगल में ले जाकर छड़ लूट लिए थे, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी घटना में 6 जून को चंदौती थाना क्षेत्र में डोबी पटना 4 लेन बनाने वाली कंपनी ILFS से लेवी मांगने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देशी कट्टा, 3 कारतूस, 1 हीरो मोटरसाइकिल, 6 डेटोनेटर एवं जेलेटिन तथा माओवादी पर्चा बरामद किया गया। बाराचट्टी थाना अंतर्गत जहां स्कॉर्पियो से ओवरटेक करके एक ट्रक और उसमें जो छड़ लदी थी उसको लूट लिया गया था, उस कांड का अनुसंधान करते हुए घटना को डिटेक्ट कर लिया गया। SDPO शेरघाटी के नेतृत्व में टीम बनी थी और उसमें जो थाना अध्यक्ष सम्मिलित थे अलग अलग, उन सभी के द्वारा परिश्रम से इस कांड का डिटेक्शन किया गया है। कांड के डिटेक्शन के क्रम में जो लूटी गई ट्रेलर थी उसको बरामद किया गया है। लूटी गई जो छड़ थी उस छड़ में से 19 टन छड़ थी, उसमें से 7 टन छड़ को बरामद कर लिया गया है। लूट करने में जो ट्रक थी स्कॉर्पियो थी उसको बरामद कर लिया गया। इसके अलावा रेकी करने में एक दूसरी स्कॉर्पियो इस्तेमाल हुई थी उसको बरामद किया गया है। 3 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक और जो लोग घटना में सम्मिलित थे उनकी पहचान की गई और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार के गया में नाबालिग पीड़ित छात्रा के साथ बार बार सामूहिक बलात्कार की घटना पूछे जाने पर पीड़ित छात्रा ने अपना आपा खो दिया। चिल्लाते हुए नेताओं के बीच से भागने लगी और कहा कि आप लोग एक ही घटना को बार बार मुझसे पूछकर मेरे जख्मों को और कुरेदने की कोशिश ना करें। सामूहिक बलात्कार की पीड़ित छात्रा नेताओं पर चिल्लाते हुए भागने लगी। इस घटना का पूरा लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले को राजनीतिक दलों ने अपना राज्य सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है। बिहार के गया में गैंगरेप की इस घटना के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। आभा लता जी महिला सेल के अध्यक्ष हैं, हमने इनसे कहा कि आप बच्ची से अलग बात करें मीडिया के सामने, और उनके पिताजी से हम लोगों ने अलग बात किया और यह होना भी चाहिए, मना स्थिति को देखकर, परेशानी को देखकर इस बात पर। लेकिन गुस्सा सब लोग के मन में, सारे लोगों के मन में गुस्सा है, आम आवाम के मन में गुस्सा है। उस गुस्से का प्रकटीकरण इस रूप में होता, परेशानी तो थोड़ी होगी लेकिन जो उनकी मानसिक परेशानी उस घटना के कारण हुई है वो उसके पसीने में भी ये परेशानी नहीं है।
इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। और यह कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। जो पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो सरकार पर अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं। और जनता की जो मन तो, की जो सोच है इस संदर्भ में, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं मुआवजे की और उनके रिहैबिलिटेशन की। जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ सख्त कार्रवाई की और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को न कर किए जाने की हम अपील करते हैं और मांग करते हैं। बिहार के गया में गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर से पूरे बिहार के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। गया के गुरारू और कैथी गांव के बीच सोंधिया में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद राज्य की पुलिस हरकत में आई। अब तक 20 से अधिक बलात्कारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोच थाना के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर 36 घंटे बीत जाने के बाद गया पुलिस पूरी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया के SSP राजू मिश्रा इस जनघन्य कृतित्व की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों के संबंध में कहा कि 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पीड़िता ने 2 लोगों की पहचान की है। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस SSP गया टिकारी, DSP शेरघाटी, DSP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कोच थाना, टिकारी थाना एवं शेरघाटी थाना के थाना प्रभारी को अनुसंधान और साक्ष्य जुटाने के लिए लगाया गया है और टेक्निकल सेल की भी मदद ली गई है। जल्द ही बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लड़की को बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ट्रामा में थी, उसकी काउंसलिंग की जरूरत थी। शुरू में जो है वो FIR करने को नहीं तैयार हो रही थी अपने साथ हुई घटना को लेकर। बहुत समझाया गया, बहुत उसको जो है काउंसलिंग की गई, उसके बाद वो तैयार हुई। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसका मेडिकल कराया, इसलिए देर हुई। उसके गांव का नाम, उसके स्कूल का नाम, उसके पड़ोसियों का नाम, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील। क्या उसकी सुरक्षा पर आने की जरूरत? हम लोगों ने बात की है, अभी जस्ट बात की है। उनके साथ महिला कांस्टेबल दी गई हैं, उनके परिवार वाले भी नहीं चाहते। उसका भी रीजन वही है, क्योंकि जैसे ही हम घर के बाहर जो है बल प्रतिनियुक्त कर देंगे तो आइडेंटिटी छोटी जगहों में रिवील होगी। लेकिन दूर से सादी वर्दी में अन्य तरीकों से हम लोग लगातार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। विक्टिम पहचान की है कुछ लोगों की, अभी ये देख चीजें जो है कोर्ट में आएंगी सामने, वहाँ हम लोग उसकी TIP कराएंगे। फिलहाल जो विक्टिम ने हुलिया बताया, उस हुलिया के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन्हें जेल भेजा गया, क्या रिमांड प्रोसेस लिया जाएगा? अगर जरूरत होगी अनुसंधान के क्रम में रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तो लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।